इस वीडियो के अंदर हम आईटी सेक्टर के एक ऐसे शेयर्स के बारे में बात करने वाले हैं जिसने पिछले जितने भी रिकॉर्ड्स अगर हम उठा के देखें तो अपने इन्वेस्टर्स को कह सकते हैं कि भर भर के डिविडेंड और भर भर के बोनस शेयर इशू करें। जी हाँ दोस्तों, किस शेयर के बारे में बात कर रहा हूँ मैं ये भी बताऊँगा, साथ ही साथ आपको इस शेयर के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए कि नहीं, सारी चीज़ों को इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं, एनालिसिस करने वाले हैं। उसके पहले यदि आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि यहाँ से आपको मार्केट के ओपन होने के पहले प्राइस एक्शन स्टॉक्स बताए जाते हैं, जिससे काफ़ी फैमिली मेंबर्स हमारे इसका बेनिफिट उठा रहे हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ से आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं जिस शेयर के बारे में आपको बताने वाला हूं, उसके पहले आपको उस शेयर के रिटर्न्स के बारे में बताना चाहता हूं। अगर हम पिछले एक दिन के रिटर्न्स के बारे में बात करें तो इसने अपने इन्वेस्टर्स को 1.5% का रिटर्न बना कर दिया था। पिछले एक सप्ताह की बात करें तो लगभग 3% का रिटर्न बना कर दिया था। हालांकि पिछले एक महीने और तीन महीने की बात करें तो वहां पर आपको नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है, क्योंकि बिजनेस के ऊपर जो कुछ प्रॉब्लम्स आई थी जिसके कारण आपको यहाँ पर नेगेटिव रिटर्न्स देखने को मिल रहे हैं। लेकिन अगर आप पिछले 6 महीने का चार्ट देखेंगे तो लगभग 14.5% का रिटर्न्स देखने को मिल रहा है। पिछले एक साल की बात करें तो लगभग 82% का रिटर्न, पिछले 2 साल में 75% का, पिछले 3 साल में 109% का, पिछले 4 साल में 120% का, 5 साल की बात करें तो 151% का, और पिछले अगर 10 साल की बात करें तो 642% का रिटर्न बना कर दिया है। यानी जिस भी इन्वेस्टर ने लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करा है, डेफिनेटली उनको काफ़ी अच्छे रिटर्न्स देखने को मिले। रिटर्न के साथ साथ कंपनी ने बोनस शेयर और इसी के साथ डिविडेंड भी एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, बल्कि एक साल के अंदर कम से कम 4-4 बार अनाउंस किया है। उसके पहले मैं कंपनी ने अपने जो Q4 के नंबर्स डिक्लेयर करे हैं उसे आपके सामने प्रेजेंट करना चाहता हूं। कंपनी के नंबर्स थोड़े से यहां पर कह सकते हैं कि उम्मीदों के मुताबिक नहीं आए हैं, अगर ईयर ऑन ईयर बेसिस पर कंपेयर करें। कंपनी ने जो नेट सेल्स डिक्लेयर करी है 19,641 करोड़ रुपये की डिक्लेयर करी है, जिसे अगर आप पिछले साल यानी कि लास्ट ईयर से कंपेयर करें तो लगभग 5.67% की आपको इसके अंदर इंक्रीमेंट देखने को मिल रहा है। इसी के साथ अगर प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात करें तो उसके अंदर आपको लगभग 6.5% की गिरावट देखने को मिल रही है। इंटरेस्ट की बात करें तो इंटरेस्ट के अंदर भी आपको लगभग 28% की डाउनफॉल देखने को मिल रही है, यानी कि इंटरेस्ट एक्सपेंसेस बड़े हैं। साथ ही साथ अगर कंसोलिडेट नेट प्रॉफिट की बात करें तो जो पिछले साल कंपनी ने 3,172 करोड़ रुपये का नेट प्रॉफिट जनरेट किया था, वो इस बार घटकर सिर्फ 1,102 करोड़ रुपये का रह गया है। लेकिन ऐसा नहीं है कि कंपनी की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है, यहां पर कंपनी के रिजल्ट और कंपनी के नंबर्स डिक्रीज होने के पीछे का रेशो भी मैं आपको बताऊंगा। उसके पहले यदि आप यहां पर कंपनी के शेयर होल्डिंग्स पैटर्न्स को चेक करेंगे तो प्रमोटर्स की होल्डिंग लगभग 60% की आपको यहां पर कवर होते हुए देखने को मिल रही है। FII की होल्डिंग्स की बात करें तो लगभग 24% के अप्रोक्स की FII की होल्डिंग्स आपको देखने को मिल रही है। उसी के साथ अगर म्यूचुअल फंड की होल्डिंग्स देखें तो 6.79% की, इंश्योरेंस कंपनी के 3.39% की, नॉन इंस्टीट्यूशन की 4.97% की, और अदर DIIs की बात करें तो 0.38% की होल्डिंग्स आपको देखने को मिल रही है। सबसे अच्छी बात है कि प्रमोटर्स का स्टेक लगभग 61% के अप्रोक्स आपको इस कंपनी के अंदर देखने को मिल रहा है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि कंपनी की बैलेंस शीट यहां पर बहुत अच्छी मजबूत है। अगर आप कंपनी के रिजर्व की तरफ भी नज़र मारें तो जो आपको पिछली बार रिजर्व 36,753 करोड़ रुपए के देखने को मिल रहे थे, वो बढ़कर 43,010 करोड़ रुपए के रह गए हैं। साथ ही साथ अगर आप लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स की तरफ नज़र मारेंगे तो लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स जो कंपनी की पिछली बार 160 करोड़ रुपए की थी, वो सिर्फ 260 करोड़ रुपए यहां पर इंक्रीज हुई है। साथ ही साथ अगर हम शॉर्ट टर्म लोन्स और एडवांसेस की बात करें तो जो कंपनी के ऊपर पिछली बार 3,391 करोड़ रुपए के शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स थी, वो बढ़कर 4,841 करोड़ रुपए की हो गई है, जिसके कारण आपको इंटरेस्ट के एक्सपेंसेस भी यहां पर इंक्रीज होते हुए देखने को मिले हैं।
लेकिन उसके बावजूद अगर हम यहाँ पर बोनस शेयर और डिविडेंड की बात कर रहे हैं तो रिटेल इन्वेस्टर खासकर यहाँ पर बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। तो यहाँ पर मैं बताना चाहता हूँ, कंपनी ने रिसेंटली 2019 में 1:1 के रेशो में बोनस शेयर इशू करे थे, 2015 में 1:1 के बोनस शेयर इशू करे थे, 2006 के अंदर भी 1:1 के बोनस शेयर इशू करे थे। तो यहाँ पर कंपनी बहुत बार बोनस शेयर इशू कर चुकी है। और साथ ही साथ अगर डिविडेंड की बात करें तो 2021 के अंदर ही, यानी कि 2021 के अंदर ही कंपनी 3 बार डिविडेंड डिक्लेयर कर चुकी है। साथ ही साथ अगर 2020 की बात करें तो 2020 में भी कंपनी 3 बार डिविडेंड डिक्लेयर कर चुकी है। 2019 की बात करें तो 2019 में भी कंपनी कम से कम 3 से 4 बार डिविडेंड डिक्लेयर कर चुकी है। 2018 में देखें तो 4 बार डिविडेंड है, 2017 में देखें तो 4 बार डिविडेंड है। तो कंपनी ऑल टाइम यहां पर फेवरेट रही है रिटेल इन्वेस्टर को लेकर, क्योंकि डिविडेंड और बोनस शेयर को देखें तो यहां पर ये आईटी सेक्टर की कंपनी ने बाजार के अंदर धूम मचा रखी है। अब मैं आपको इस कंपनी का नाम भी बताना चाहूँगा, हम बात कर रहे हैं HCL टेक्नोलॉजीज लिमिटेड के बारे में। जी हाँ दोस्तों, HCL टेक्नोलॉजीज लिमिटेड के अंदर आज भी आपको 0.14% की तेजी देखने को मिली। अगर हम इसके 52 वीक के हाई की बात करें तो 13 जनवरी 2021 के दिन कंपनी ने अपने 52 वीक के हाई को अचीव किया था, जो कि 1,069 रुपये का था। यहाँ पर अभी कंपनी आपको थोड़ी सी वॉलेटिलिटी इसके अंदर देखने को मिल रही है, करंट शेयर प्राइस के अंदर आपको थोड़े बहुत करेक्शंस देखने को मिल रहे हैं, लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए किसी आईटी सेक्टर के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो डेफिनेटली HCL टेक्नोलॉजीज लिमिटेड रिटेल इन्वेस्टर के बिहाफ पे एक बहुत अच्छी कंपनी है, जो कि टाइम टू टाइम अपने इन्वेस्टर्स को डिविडेंड तो प्रोवाइड करती ही है, साथ ही साथ बोनस शेयर भी इशू करती है। इसी वजह से अगर आप इसकी NSE के अंदर आज जो ट्रेडिंग हुई है, अगर इसकी तरफ भी नज़र मारेंगे तो लगभग 55% के अप्रोक्स आपको डिलीवरेबल बेस काम देखने को मिला है। तो यही कारण है कि रिटेल इन्वेस्टर खासकर इस पर बहुत ज़्यादा भरोसा करते हैं, और डेफिनेटली क्यों नहीं करेंगे, आईटी सेक्टर की कंपनी के अंदर जो अभी आपको मार्च के क्वार्टर के रिजल्ट में थोड़े बहुत करेक्शंस देखने को मिले, ये तो पता है सबको कि आने वाले टाइम में आईटी सेक्टर की जिस प्रकार से डिमांड बढ़ने वाली है, आपको सारे यहाँ पर जो लॉसेस हैं वो ऑलमोस्ट रिकवर होते हुए देखने को मिल जाएंगे। इसी के साथ कंपनी की तरफ से जो रिसेंटली अपडेट निकल कर आई है वो भी रिटेल इन्वेस्टर्स को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही है। यूनाइटेड किंगडम की तरफ से एक अपडेट निकल कर आई है जिसमें HCL टेक्नोलॉजी अ लीडिंग ग्लोबल टेक्नोलॉजीज कंपनी टूडे अनाउंस द एक्सपांशन ऑफ इन्वेस्टमेंट इन द यूनाइटेड किंगडम with the hiring of 1000 technologies professional to support its client in the UK. तो यहाँ पर जो UK के business है HCL का, उसमें यहाँ पर HCL 1000 टेक्नोलॉजीज प्रोफेशनल्स को अपॉइंट करने जा रही है, जिसका बेनिफिट उसके बिजनेस को तो मिलेगा ही, साथ ही साथ वो अपने क्लाइंट को यहाँ पर अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड कर पाएंगे, जिससे बिजनेस एक्सपांशन होने की बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। अब बात कर लेते हैं आपको किस तारीख का ध्यान रखना है। अगर आपने HCL टेक्नोलॉजीज लिमिटेड के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रखा है तो लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करिए। आने वाले क्वार्टर के रिजल्ट में आपको डेफिनेटली इसके अंदर डिविडेंड देखने को मिल सकता है। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद है आपको वीडियो और अपडेट पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अनदर किसी अपडेट के साथ, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड स्टे अपडेटेड।